चलिए अब हमारा जो पहला परफॉर्मेंस है, जो हमारे पहले ड्रामेबाज है, उनके लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, गिव इट अप फॉर प्रीजोत पार्थ एंड स्तुति। भाड़े के कपड़ों में बहुत जच रहे हो। पिंकी बेटा, देखो कौन बेवकूफ आया है। बेटा अभी मैं सामने हूँ। सॉरी डैडी, मैं थोड़ी सी बेशरम हो गई थी। तो क्या मैं इनविटेशन कार्ड पे अपने पैसे बर्बाद कर सकता हूँ? यस अंकल। मेरी जान खाके खून चूसने तू आया, खून चूसने खाके खून चूसने। अंकल आपकी फोन टीम तो बड़ी खराब है। बेटा तुम्हारे पापा का नंबर पहचानने के लिए 25 रुपए खर्च करके लगवाए। मिस कॉल मार दिए। अरे दहेज की चिंता आप मत कीजिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। ये तो शुक्र मनाइए कि आपके बेटे ने जो चाय बिस्किट ठूसे उसके पैसे नहीं मांग रहे। हाँ चलिए आपके मुंह पे फोन काटते हैं, ये लो। अब तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अंकल अगर आपका इतराज न हो तो मैं आपकी बेटी से शादी कर आपका घर जमाई बन सकता हूँ। देखा दादी, शक्ल से भले बेवकूफ दिखता हूँ पर अक्ल से है समझदार। सीधे सीधे बोलो ना कि मुझे इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, उठा लूंगा। पहले तो सिर्फ एक बेटी का बाप था, अब तो एक बेटे को भी सर पे बैठाना होगा। आपके लिए सही है लड़की? मुझके तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सेम यार, मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड है मुझको इससे शादी नहीं करनी। ओके, इन तीनों की टाइमिंग ने हमें एक बात तो जरूर अच्छे से समझा दी है, और वो बात पता है क्या है? कि सोनाली मैम कितनी खूबसूरत लग रही है। आगे बढ़िए, बस फीलिंग की बात है मैम। यार मतलब तू मतलब बेशर्मी की हर हद को पार कर चुका है। जिस हर एक लड़की तेरे को फर्स्ट एपिसोड से बोली तू मेरा भैया, तू मेरा भैया, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी अ सैया? सर आखिर एपिसोड तक तो मैं बन ही जाऊंगा। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।